हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मोरूला फॉर्मेशन और ब्लास्टुला फॉर्मेशन यानी कि ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस को पढ़ लिया था कि क्लीवेज होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है, जाइगोट चेंज हो जाता है एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम मोरूला कहते हैं। अब ये जो मोरूला चेंज हो जाता है एक ऐसी स्ट्रक्चर में जिसका साइज बड़ा होता है, जिसके अंदर कैविटी होती है और जिसकी सेल अपने आप को रीअरेंज कर चुकी होती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टुला, और इस प्रोसेस को, ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस को कहते हैं हम ब्लास्टुलेशन। अब ये जो ब्लास्टुला है ये सेटल होता है कहाँ, यूट्रस की अंदर वाली दीवार यानी एंडोमेट्रियम के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इम्प्लांटेशन या अंतरूपण। तो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है तो ब्लास्टुला के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के 6th डे से 10th डे के बीच में होती है, और जनरली हम इसको 7th डे मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो 7वां दिन होगा उस पर ये जो ब्लास्टुला बना है या ब्लास्टोसिस्ट बना है ये सेटल हो जाएगा यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, इसके अंदर सेटल हो जाएगा। तो अंतरोपण की हम इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो या ब्लास्टुला इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और कब हो रही है ये प्रोसेस, 7th डे में हो रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ही ये जो ब्लास्टुला है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है तो वो जगह जहां पर ये कांटेक्ट में आया है उस जगह की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है और उसके अंदर कुछ स्वेलिंग आ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है और उसके अंदर कुछ स्वेलिंग आ जाती है। एंडोमेट्रियम इन कॉन्टेक्ट विद ब्लास्टुला बिकम्स लूज सॉफ्ट एंड शो स्वेलिंग। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं और जो लाइनिंग खुद है उसकी जो पारगम्यता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जो पदार्थ है वो एक एम्ब्रियो के अंदर और एम्ब्रियो से ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ जा सके, तो इसीलिए इनकी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियां हैं जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर है और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग खुद है इसकी जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता है, वो बढ़ जाती है। अब ये जो हमारा ब्लास्टुला जो हमने यहाँ बनाया है इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं, जिसकी सेल कैसी होती है, चपटी होती है और ये सेल एम्ब्रियो के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये सेल धीरे धीरे फिंगर लाइक उंगलियों जैसे प्रवर्ट बनाने लगती हैं, संरचना बनाने लगती हैं, और ये जो संरचनाएं हैं कहाँ धंसने लगती हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धंसने लगती है। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है जो ब्लास्टोसिस्ट का वो हिस्सा जो एंडोमेट्रियम के संपर्क में है वहां की ट्रोफोब्लास्ट सेल उंगली जैसी संरचनाएं बनाने लगती हैं, और ये जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं गर्भाशय की दीवार के अंदर धंसने लगती हैं, और धंसते धंसते ये कहाँ पहुंच जाती हैं, जो मदर का ब्लड है वहां तक पहुंच जाती है, जिससे कि ये जो मदर का ब्लड है वहां से पोषण ले सके। और इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम के अंदर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट करेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ग्लाइकोजन का संग्रहण कर लेती हैं और ग्लाइकोजन फिल्ड कोशिकाओं के अंदर बदल जाती हैं। एंडोमेट्रियम में पाई जाने वाली फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संग्रहण कर लेती हैं, उसका कलेक्शन कर लेती हैं और किसमें चेंज हो जाती हैं, ग्लाइकोजन फिल्ड कोशिकाओं के अंदर बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी
एम्ब्रियो को, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा, बढ़ता हुआ एम्ब्रियो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट। हाँ, तो जहां हमारी कोरियोनिक विलाई बन रही है, यानी जो एंडोमेट्रियम है जो संपर्क में है किसके, ब्लास्टोसिस्ट के, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और जो कोरियोनिक विलाई अपने आप को बढ़ाती रहती है और कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड तक पहुंच जाती है, जिससे कि वो एम्ब्रियो को ब्लड से न्यूट्रिशन मिल सके। जो एम्ब्रियो है वो मदर के कनेक्शन में रहता है, मदर के जो टिश्यू है उसके कनेक्शन में रहता है। मदर का टिश्यू भी कुछ स्ट्रक्चर बनाता है और जो एम्ब्रियो है उसका टिश्यू भी स्ट्रक्चर बनाता है। तो एम्ब्रियो का कौन सा टिश्यू, ट्रोफोब्लास्ट सेल कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है, कोरियोनिक विलाई, जो कि मदर टिश्यू के कॉन्टेक्ट में रहेगा। और जो मदर का टिश्यू है वो भी एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि एम्ब्रियो के कॉन्टेक्ट में रहेगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या कहलाती है, प्लेसेंटा कहलाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट, कोरियोनिक विलाई रीचेस मैटरनल ब्लड। अब ये कहां पहुंच गए, मैटरनल ब्लड तक पहुंच गए। इसके बाद जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो तेजी के साथ ग्रो करने लगती है। यहाँ की एंडोमेट्रियम तो डीजेनरेट हो गई, लेकिन जो बाकी बची एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगी, वो तेजी के साथ डिवाइड होगी, उसकी जो कोशिकाएं हैं, और क्या करेंगी, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को अपने अंदर कवर कर लेंगी। यानी पूरा एम्ब्रियो कहाँ चला जाएगा, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो इम्प्लांटेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन, अंतराकोशिकीय इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ चला गया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धस गया। तो इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसके बाद गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुला यानी कि जो तीनों जर्म लेयर होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, जो एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग से, जो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उससे, जब एम्ब्रियो उसके अंदर धस जाता है, उसके अंदर सेटल हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये लगभग सातवें दिन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग सातवें दिन होती है। और इस प्रोसेस में कई सारे चेंजेस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेसीडुअल सेल रिएक्शन। जब ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम लाइनिंग के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसे उस समय हम कहते हैं डेसीडुअल, उसे उसका नाम बदल जाता है, उस समय उसे कहा जाता है डेसीडुअल या डेसीडुअल लाइनिंग। जब ब्लास्टुला जहां जिस पार्ट में एंडोमेट्रियम के संपर्क में आ रहा है उसे हम कहते हैं डेसीडुआ या डेसीडुअल लाइनिंग। तो अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले जो डेसीडुअल लाइनिंग है वो सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है, और जिससे कि जो कोरियोनिक विलाई है उसके अंदर तक जा सके। ट्रोफोब्लास्ट सेल फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको दो तरीके से डीजेनरेट करती है। एक तो जो विलाई होती हैं उनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं, ये एंजाइम एंडोमेट्रियम लाइनिंग को धीरे धीरे वीक कर देते हैं। इसके अलावा वो उसको धक्का मारती हैं, पुश करती हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अंदर की तरफ, तो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। और ये जो कोरियोनिक विलाई है वो कहाँ पहुंच जाती है, मैटरनल ब्लड तक पहुंच जाती है। इसके अलावा जो परमिएबिलिटी है ब्लड वेसल्स की और एंडोमेट्रियम की वो बढ़ जाती है। और यहाँ एंडोमेट्रियम के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो ग्लाइकोजन का संग्रहण कर लेती हैं और ग्लाइकोजन फिल्ड कोशिकाओं के अंदर बदल जाती हैं, जिससे कि वो न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोवाइड कर सके एम्ब्रियो को। और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है पूरे के पूरे एम्ब्रियो को अपने अंदर कवर कर लेती है, यानी कि जो एम्ब्रियो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में पूरी तरह से धस जाता है। और इस प्रकार के इम्प्लांटेशन को कहते हैं हम इंटरस्टीशियल इम्प्लांट।
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम गेस्ट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।